कोई आया नया आइडिया प्रैंक का? सॉरी बॉस, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। बॉस मैं क्या करूं, हम प्रैंकस्टर्स ने हर तरीके से तो इंसानों का जीना हराम कर दिया है, ऊपर से आवाम भी इतनी हरामी हो गई है, सारे फेक प्रैंक्स पहचान जाती है, इसलिए कोई नया आइडिया नहीं आ रहा इंसानों में उंगली करने का। जरा दोबारा बोल जो तूने शुरू में बोला। आवाम सारे फेक प्रैंक्स पहचान जाती है। अबे गधे, इससे पहले हम प्रैंकस्टर्स ने हर तरीके से इंसानों का जीना हराम कर दिया। इंसानों का जीना हराम किया है ना, तो इस बार जानवरों की बारी है। सर जानवरों में उंगली कर तो देंगे, लेकिन अगर एनिमल लवर्स जाग गए तो बोल देंगे अवेयरनेस वीडियो थी, काम का काम, अटेंशन की अटेंशन। हाउ आर यू भैया? आज हम जिस इंसान बल्कि जानवर नहीं, ना ये इंसानों में आता है ना जानवरों में, क्योंकि भाई ने हरकत भी तो जानवरों से बदतर की है। तो भैया लेकिन उसने माफी मांगी तो है कि वो खाली अवेयरनेस वीडियो थी। हम भी थोड़ी अवेयरनेस फैला के माफी मांग लेंगे। तो भैया शुरू करते हैं आज का पोस्ट माता। तो भैया हमारे इस बेहुदा प्रैंकस्टर ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें एक गरीब कुत्तों को खामखा उंगली कर रहा है। What is going on soldiers? This your boy FD back with a new video. तो गाइस आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है बाकी वीडियो से, क्योंकि आज मैं स्ट्रीट डॉग्स को डराने वाला हूँ इस एयर होम से। बड़ा अच्छा काम करने लगा है, अवार्ड दो साले को। तो वीडियो को आपने अंदर देना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अबे ओए लांदी के एमएनएम, वीडियो क्या होने वाली है? ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पत्थे ने पूरी वीडियो में इसी तरह शहर के हर गरीब कुत्ते को उंगली की है, यहाँ तक के एक बेचारा कुत्ता लंगड़ा भी था। अब इस घटिया तरीन हरकत के बाद इसको कोई अवार्ड तो मिलना नहीं था, गालियाँ ही पड़नी थी, और क्या दबा के पड़ी है, दिल खुश हो गया। अब इतना जलील होने के बाद भाई के पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन वन, भाई साहब एक तमीज से वीडियो बनाते बगैर किसी एटीट्यूड के और बोलते मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अवाम एक दो दिन में भूल जाती। ऑप्शन टू, भाई साहब कुछ भी नहीं करते, अवाम वैसे ही भूल जाती। लेकिन नहीं, भाई साहब तो एक्स्ट्रा जीनियस है, भाई साहब थोड़ा ऊपर से आ गए और बोला, मैंने ये वे चूज किया एक अवेयरनेस देने के लिए, बट ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो थी। मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो एनिमल लवर हैं और इसके ऊपर बाद में इशू बनेगा और आवाज़ उठाई जाएगी, तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि ये भी सेंसिटिव इशू है, एक सीरियस इशू है, हमें इस इशू पर बात करनी चाहिए। अबे ओए हम यहाँ पागल नहीं बैठे, सीआईडी हमने भी देखा है, कोई चोर अपनी चोरी नहीं मानता जब तक चमाट ना पड़े। तो देखो गलत काम हो गया, माफी मांग ले, बात खत्म। ये अवेयरनेस का चुतियापा कहाँ से आ गया? उल्लू के पत्ते अगर टारगेट किलिंग पे अवेयरनेस देनी है तो बंदे मारना शुरू कर देगा है साले। और पता है अफसोस का होता है, ये घटिया हरकत करने के बाद भी भाई साहब इतनी अकड़ से क्या बोल रहे हैं? बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैंने तो लोगों की गालियां भी खा ली, एक मैंने अपना सोशल एक्ट कर दी है, तो जब आप लोग सोशल एक्ट करोगे ना इन डॉग्स के लिए तब मुझे आप लोग जरूर बात कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर इतना इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए तो इंसानों का तो वैसे ही जीना हराम है, जानवरों का भी हो जाएगा। तो भैया आज का पोस्टमार्टम शेर नहीं बल्कि कुत्ते के साथ खत्म करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।